गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बेटा फॉर्मेटिंग एंड डॉक्यूमेंट की। हम हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर फॉर्मेटिंग किस तरीके से करते हैं। पहले बेटा हमें फॉर्मेटिंग का मतलब पता होना चाहिए। फॉर्मेटिंग मीन चेंजिंग एंड अरेंजिंग टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट टू मेक इट अट्रैक्टिव। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है बेटा अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी चेंज करना है, उसको अच्छे से अरेंज करना, ताकि हम उसे क्या बना सकें, अट्रैक्टिव बना सकें। वी कैन फॉर्मेट अवर डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग फॉन्ट ग्रुप एंड पैराग्राफ ग्रुप। हम बेटा हमारे वर्ड के अंदर बेटा फॉर्मेटिंग हमारे फॉन्ट ग्रुप या फिर पैराग्राफ ग्रुप, इन दोनों की हेल्प से कर सकते हैं, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा, होम टैब के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फॉन्ट ग्रुप के अंदर बेटा अलग अलग ऑप्शन होते हैं, जैसे ये फॉन्ट चेंज करने के लिए, फॉन्ट का साइज चेंज करने के लिए। इस ऑप्शन से बेटा हम हमारे टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, इसकी हेल्प से हम हमारे फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। पैराग्राफ के अंदर बेटा हम अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, यानी कि लेफ्ट राइट, ये सब हम वन बाय वन जैसे करते जाएंगे, इनके बारे में ज़्यादा पढ़ते जाएंगे। उसके बाद जो मैं आज आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाली हूँ बेटा, वो है आपको चेंजिंग फॉन्ट, कि हम किस तरीके से हमारे जो टेक्स्ट होता है उसका फॉन्ट चेंज करते हैं। फॉन्ट का मतलब क्या होता है बेटा? फॉन्ट इज़ द लुक एंड शेप ऑफ द लेटर। फॉन्ट का मतलब होता है बेटा आपके जो लेटर होता है उसकी जो शेप है या फिर उसका जो लुक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका फॉन्ट बोलते हैं, ठीक है। देर आर मैनी फॉन्ट अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वर्ड के अंदर बेटा अलग अलग तरीके के फॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं, जिन्हें हम इजीली चेंज कर सकते हैं। सिंपली सबसे पहले हमारा काम क्या होता है बेटा, चाहे हमें कलर चेंज करना हो, चाहे हमें फॉन्ट चेंज करना हो, सबसे पहले हम बेटा क्या करेंगे, हमारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप भी सेम है बेटा आपका, क्लिक द होम टैब। आपको कहाँ जाना है, होम टैब के ऊपर जाना है। अगर आपको फॉन्ट को चेंज करना है तो आप क्या करोगे बेटा, फॉन्ट ग्रुप के ऊपर जाओगे। फिर सेकंड टॉपिक है बेटा फॉन्ट साइज़। अगर आपको फॉन्ट साइज़ चेंज करना है तो पहले दो स्टेप चेंज सेम है बेटा, थर्ड स्टेप में चेंज आएगा कि आपको कहाँ जाना है बेटा, फॉन्ट साइज़ के ऊपर जाना है, ठीक है। उसके बाद जो साइज़ चाहिए वो सिलेक्ट करो और ओके के ऊपर क्लिक करो। फिर आता है बेटा फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर में भी पहले दो स्टेप बिल्कुल सेम है, थर्ड स्टेप आता है बेटा आपका फॉन्ट कलर चूज़ करने का, ये इसका आइकन होता है। इसमें से बेटा जो भी कलर चाहिए उसको सिलेक्ट करो, ओके के ऊपर क्लिक करो, तो आपका कलर चेंज हो जाएगा। अब मैं आपको ये तीनों ना प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ, उसमें आपको अच्छे से समझ जाएंगे। देखो बेटा मैंने यहाँ पर ना ऑलरेडी अपना टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये आपका टेक्स्ट है बेटा। इसमें हम क्या करना सीखेंगे आज, कि हम किस तरीके से कलर चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं और हमारा फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, ये सब चीज़ें कहाँ परफॉर्म होंगी, हमारे फॉन्ट ग्रुप के अंदर परफॉर्म होंगी। ये वाला जो आपका ऑप्शन है बेटा, ये जहाँ पर आपको ये दिख रहा है, देखो जैसे यहाँ पर एरो लेके आओगे आपको ऑप्शन पता चल जाता है, फॉन्ट ऑप्शन बेटा ये आपका। ये जो एरो बेटा, ये किसका आइकन है आपका, साइज़ चेंज करने का आइकन है। उसके बाद हमें कलर भी चेंज करना है, तो ये क्या है आपका, फॉन्ट कलर का ऑप्शन है। तो ये तीनों कहाँ प्रेजेंट है बेटा, होम टैब के ऊपर क्लिक किया, होम टैब के अंदर कौन सा ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप। सबसे पहले क्या करूँ, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँ। तो मैंने बेटा अपना एक टेक्स्ट सिलेक्ट कर दिया, हेलो, ठीक है। इसमें मैं आपको स्टाइल चेंज करके दिखाऊंगी, फॉन्ट चेंज करके दिखाऊंगी। सिंपली मैंने क्लिक किया, यहाँ से आप क्या कर सकते हो बेटा, जो भी आपको स्टाइल चाहिए वो यहाँ से सिलेक्ट कर दो। मैंने अल्जीरियन सिलेक्ट किया, तो मेरा जो टेक्स्ट है देखो बेटा नॉर्मल है, ये सारे नॉर्मल आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसका जो शेप है वो इन सबसे डिफरेंट है, अल्जीरियन हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा, मैं साइज़ चेंज करना चाह रही हूँ, तो सिंपल टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद कहाँ गए बेटा, साइज़, फॉन्ट साइज़ पे गए, क्लिक किया इस एरो पे, ये ड्रॉप डाउन एरो होता है बेटा, इसके अंदर जो भी आप साइज़ सिलेक्ट करते हो बेटा आपका टेक्स्ट उतने ही बड़े साइज़ का हो जाता है। तो मैंने यहाँ 48 सिलेक्ट कर लिया, तो देखो साइज़ चेंज हो गया। थर्ड है बेटा कि आप कलर चेंज करना चाह रहे हो, तो मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं जा रही हूँ फॉन्ट कलर के ऊपर, ये रहा मेरा फॉन्ट कलर। यहाँ से बेटा आपको जो भी कलर चूज़ करोगे आपका टेक्स्ट उसी कलर का हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये वाला कलर चूज़ किया, तो मेरा जो टेक्स्ट है बाकी सब ब्लैक है, इसका जो कलर बेटा इन सब से डिफरेंट हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको कलर चेंज करके दिखाती हूँ, हाउ का मैं कलर चेंज कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैंने इस टेक्स्ट को ब्लू कर दिया, तो जो इसका जो टेक्स्ट कलर है बेटा वो क्या हो गया, ब्लू हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बेटा, फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो इस ऑप्शन से, यहाँ से आप साइज़ चेंज कर सकते हो और यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैं आपका ये जो हाउ है बेटा, इस वर्ड को ही अल्जेरियन लगा के दिखाती हूँ मैं आपको। क्लिक करो, अल्जेरियन पे क्लिक करो एंड देखो हाउ की शेप चेंज होगी ना, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, ओके। कल हम बेटा और तरीके की जो फॉर्मेटिंग है उन सब के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ओके, थैंक यू।